नहीं, मुझे बार्बी डॉल चाहिए। नहीं, तुम लाके दो। निया, किससे बात कर रही हो? निया, मामा को बताओ। सीक्रेट है। मामा से सीक्रेट मुझे नहीं बताओगी? आप जानती हो मैं किससे बात कर रही हूँ? नहीं बेटा, मैं नहीं जानती। मम्मा, मैं पापा से बात कर रही हूँ। निया, तुम्हारे पापा मर चुके हैं। मैं आ गया हूँ बेटा, मैं आ गया हूँ तुम्हें लेने। Well, I definitely believe that there is a soul in all of us, and Atma means soul. We really live with a soul, but after we die, we really don't know what happens. So I believe in an afterlife. About the film, why I did it, the script, the screenplay, the way Suparn gave me the first narration, I could just see that, you know, this is a fabulous film. It's going to be very entertaining. And at the same time, I, as an actor, you know, have to step ahead somewhere. Well, I don't know. I'm actually becoming the face of fear, I guess. Yes. And it's, I don't mind being a trendsetter because, as I said, you know, horror is a wonderful genre of entertainment. And in today's time, when such progressive producers, directors, and the audiences exist, then why not? Actor ko bilkul alag alag tarah ke role karne chahiye aur आत्मा का सबसे बड़ा रीज़न है, ऑफकोर्स, एक तो विपाशा थी एक तो, और दूसरा रीज़न ये था कि इट्स नॉट ओनली हॉरर फिल्म, इट्स लाइक बहुत ही इमोशनल ट्रायंगल है इसमें हम लोगों का, जो मेरे ख्याल से जब मैंने पहली बार सुपर ने जब मुझे स्टोरी सुनाई थी तो मेरी भी एक बच्ची है 2 साल की, तो मैं वो चीज़ फील कर सकता था, जिसकी वजह से कि मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की वो चीज़, तो मेरा एक रीजन ये बहुत बड़ा रीजन था। वेल, कुमार जी ऑलरेडी आस्क्ड मी टू वर्क ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ आत्मा 2, सो आई थिंक आत्मा 2 इज डेफिनेटली हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ लीविंग अ डोर एट द एंड। सी, माय थिंग इज दिस, वॉच आत्मा फर्स्ट। ओके, वॉच आत्मा फर्स्ट। मैं एंडिंग नहीं बताऊंगा, नहीं, बट देयर इज नो डोर एट द एंड ऑफ द फिल्म, सो इट्स ओके।